आज हम आप लोग को स्टोमेटा कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है, क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, कैसे हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा, कैसे पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा, इन सब के बारे में एक डिटेल से बताएंगे, ठीक है ना। वेरियस थ्योरी कौन कौन सी दी गई स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर अगर जानेंगे तो बड़े आराम से ओपनिंग और क्लोजिंग हम समझ जाएंगे। अगर स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को हम देखें, ये दोनों गार्ड सेल हैं और ये किनारे की तरफ सब्सिडरी सेल है, और जो गार्ड सेल होती है इसी में पाए जाते हैं माइक्रोफाइब्रिल। जो ओपनिंग में स्टोमेटल ओपनिंग में मदद करती है, ठीक है, ये माइक्रोफाइबर हो गया। और इसी में पाए जाएंगे गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट, और ये हो गया छिद्र जो स्टोमा, ये स्टोमा हो गया, ये गार्ड सेल, और ये माइक्रोफाइबर, और ये क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो स्टोमेटा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं ये ब्लू लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। कैसे सेंसिटिव होंगे? ब्लू लाइट। सबसे ज्यादा अगर सेंसिटिविटी देखा जाए तो ब्लू के प्रति होगी, फिर ग्रीन के प्रति होगी, और फिर रेड के प्रति, ठीक है। तो स्टोमेटल इसमें जो क्या कहते हैं गार्ड सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होंगे, ठीक है, वो ब्लू लाइट से ज्यादा रिस्पांस करेंगे, फिर ग्रीन से, फिर रेड से। मतलब ये हुआ कहने का कि गार्ड सेल में जो फोटोसेंसिस हो रही है इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं वो ब्लू लाइट में ज्यादा रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें अगर देखते हैं गार्ड सेल जो होती है वो किडनी सेप है। कैसी है? किडनी सेप। लेकिन अगर इसी को मोनोकार्ड प्लांट पे देखते हैं तो मोनोकार्ड प्लांट पे जो गार्ड सेल होता है वो डंबल शेप होता है। मोनोकार्ड प्लांट पे हो गया गार्ड सेल और एक हो गया सब्सिडरी सेल, ठीक है ना। तो ये किस प्लांट पे हो गया? मोनोकार्ड। और ये किसका है? डाइकार्ड का। डाइकार्ड में जो गार्ड सेल होगा किडनी शेप होगा, और मोनोकार्ड में जो गार्ड सेल होगा वो कैसा होगा? डंबल शेप, ठीक है। तो एक हो गया स्ट्रक्चर के बारे में, और ये जो किनारे वाली सेल है इसको कहते हैं सब्सिडरी सेल। तो एक बेसिक आप स्ट्रक्चर के बारे में जान गए कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब हम देखते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। तो ओपनिंग क्लोजिंग के लिए स्टोमेटा के बहुत सारे थ्योरी दी गई हैं, ठीक है ना। इसमें जो पहली थ्योरी है वो है फोटोसिंथेटिक थ्योरी। पहली जो थ्योरी है कौन सी है? फोटोसिंथेटिक थ्योरी। पहली थ्योरी होगी फोटोसिंथेटिक थ्योरी, ठीक है। फोटोसिंथेटिक थ्योरी जो होती है वो किसने दिया था? मोल्स ने दिया। इसीलिए इसके मोल्स थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी को क्या कहेंगे?
मोल थ्योरी। तो इस थ्योरी के अनुसार कैसे स्टोमेटा ओपन क्लोज हो रहा है, एक एक हम थ्योरी को देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं फोटोसिंथेटिक थ्योरी को, ठीक है। कैसे ओपन करेगा, होता क्या है कि दिन के समय इस पे लाइट पड़ेगी, और जब लाइट यहां पड़ेगी स्टोमेटा इस पे, क्या कहते हैं स्टोमेटा के गार्डसेल पे, तो यहां गार्डसेल में पाए जाएंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेंगे, फोटोसेंसिस करेंगे, और फोटोसेंसिस करके क्या करेंगे, भोजन बनाएंगे। इसको हम देखते हैं किस तरह होता है। एट डे टाइम अगर दिन के समय हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल जो होगा, ठीक है, स्टोमेटा का, उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, उसमें पाया रहा क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस हुआ, और फोटोसिंथेसिस होगा तो यहां क्या होगा, शुगर का, शुगर की सिंथेसिस होगी, शुगर का निर्माण होगा, ग्लूकोज बनेगा। तो फोटोसेंसिस होगी तो क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा, और जब ग्लूकोज बनेगा तब इसका मतलब यह हुआ सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि इसको कि सल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और आप जानते हैं सल्यूट पोटेंशियल जब बढ़ता है तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, घट जाता है। अगर सल्यूट, यहां क्या हो रहा है, फिर से देखिए एक बार, फोटोसेंसिस जब हुआ गार्ड सेल में, ठीक है, तो क्या हुआ वहां पे, शुगर का निर्माण हुआ, ग्लूकोज बना, फोटोसेंसिस में क्या बना, ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज जब बन गया गार्ड सेल में, तो वहां पे गार्ड सेल में क्या होगा, गार्ड सेल में सल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया, और जब गार्ड सेल में सल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, मतलब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई, तो सल्यूट का पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, और सल्यूट पोटेंशियल जब इंक्रीज होता है तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं, कोई भी कंपटीशन है तो जो क्वेश्चन आते हैं इसी पे आते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग का मैकेनिज्म जब पूछेगा उसमें भी इस चीज को पूछा जाता है कि सल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जब सल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है ना। और वाटर पोटेंशियल घट जाएगा तो आप जानते हैं कि पानी का जो मूवमेंट होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, हाई वाटर पोटेंशियल से किस तरफ, लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। वाटर का जो मूवमेंट होगा, H2O का जो मूवमेंट होगा, इसको हम इम्बाइबिशन में पहले बता चुके हैं कि वाटर का जो मूवमेंट होता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा। तो गार्ड सेल में यहां पे क्या हो गया, यहां पे गार्ड सेल में अगर देखें, इस तरह देखते हैं, यहां ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज बनने के कारण सल्यूट पोटेंशियल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तब क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल यहां पे क्या हो गया, घट गया। और इसके बगल जो सब्सिडरी सेल है यहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक है। बगल वाली जो सब्सिडरी सेल है यहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, और गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल क्या हुआ, घट गया। क्यों घट गया, क्योंकि सल्यूट पोटेंशियल ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो उसका जस्ट उल्टा होगा यहां पे। अब क्या होगा कि यहां से जो वाटर है वो मूव करेगा, वाटर कहां मूव करता है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो, तो हाई वाटर पोटेंशियल टू वाटर कहां मूव करेगा, यहां पे गार्ड सेल में। और गार्ड सेल में जब पानी यहां आएगा, ठीक है ना, तो यहां देखते हैं सल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल चेंज हुआ, और वाटर पोटेंशियल चेंज हुआ तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस। देखिए पानी यहां अंदर जा रहा है, अंदर की तरफ गार्ड सेल में, तो ये गार्ड सेल क्या हो जाएगी, अब फूल जाएगी, गार्ड सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। और जब गार्ड सेल टर्जिड होगी तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। स्टोमेटा ओपन हो गया, ठीक है। तो यहां फिर से देखिए, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज के कारण क्या हुआ, सल्यूट पोटेंशियल बढ़ा, सल्यूट पोटेंशियल बढ़ा तो वाटर पोटेंशियल घट गया, वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल का घटा तो उसकी तुलना में सब्सिडरी सेल में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो वाटर का मूवमेंट कहां होगा, सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में। और इस तरह ये सेल गार्ड सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, और टर्जिड होगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब नाइट में देखते हैं क्या होता है, ये तो दिन का समय था,
रात के समय, एट नाइट, नाइट में क्या होगा, नो फोटोसेंसिस, कोई भी फोटोसेंसिस नहीं होगी। अगर फोटोसेंसिस नहीं हो रही है तो क्या होगा, यहां पे नो सुगर फॉर्मेशन, तो गार्ड सेल में नो सुगर फॉर्मेशन इन गार्ड सेल, गार्ड सेल में कोई सुगर फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर सुगर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा गार्ड सेल में तो क्या होगा, यहां पे सल्यूट पोटेंशियल घट जाएगा, और सल्यूट पोटेंशियल घटेगा तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वाटर पोटेंशियल अगर यहां बढ़ रहा है, ठीक है, यहां क्या हो रहा है, रात में क्या होगा, ठीक है, रात में देखते हैं, रात में क्या होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा नहीं, तो सल्यूट पोटेंशियल घटेगा और वाटर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। वाटर पोटेंशियल जब इंक्रीज किया किसकी तुलना में, सब्सिडरी सेल की तुलना में, तो यहां पे वाटर पोटेंशियल घटेगा, ठीक है, और पानी का जो है क्या हो जाएगा, एक सांस महसूस होगा, पानी बाहर आ जाएगा, गार्ड सेल से कहां जाएगा, सब्सिडरी सेल में, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक सांस महसूस होगा, अगर इस ऑक्सीसिस होगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड, और गार्ड सेल फ्लैसिड हुई तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहली थ्योरी होगी फोटोसिंथेटिक थ्योरी, जिसे किसने दिया था, मोल्स ने दिया था, उन्होंने बताया कि स्टोमेटा कैसे ओपन और क्लोज होता है, ठीक है। अब दूसरी थ्योरी हम देखते हैं, स्टार्च सुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। दूसरी थ्योरी है, सेकंड थ्योरी, स्टार्च सुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी, ठीक है ना, स्टार सुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी जो थी किसने दिया, लार्ड ने दिया, किसने दिया इस थ्योरी को, लार्ड ने दिया, ठीक है। स्टार सुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी में इन्होंने बताया कि क्या होता है, रात के समय, नाइट के समय, जो दिन, नाइट के समय क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, ग्लूकोज कन्वर्ट किसमें होगा, स्टार्च में, ठीक है। रात के समय ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, ठीक, कहां कन्वर्ट होगा, गार्ड सेल में, और जब स्टार्च में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, यहां का कंसंट्रेशन गार्ड सेल का घट जाएगा। अब गार्ड सेल का कंसंट्रेशन मतलब सल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और सल्यूट पोटेंशियल घटेगा तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और वाटर पोटेंशियल अगर गार्ड सेल का इंक्रीज हुआ तो पानी क्या होगा, बाहर आएगा, और पानी बाहर आएगा मतलब एक ऑस्मोसिस हुआ, और एक ऑस्मोसिस हुआ तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन, ठीक है। तो स्टार सुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी लार्ड ने दिया, इन्होंने बताया कि रात के समय क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, स्टार्च बनने का कारण ये क्या हो जाएगा, सेल ऑस्मोटिकली लेस एक्टिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सुगर की मात्रा कम हो जाएगी, वाटर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और वाटर की मात्रा ज्यादा, सॉरी, यहाँ पे सुगर की मात्रा कम होगी तो वाटर की मात्रा ज्यादा होगी, मतलब कहने का हुआ सल्यूट पोटेंशियल अगर कम हुआ तो वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, मेन इसको ही समझना है, ठीक है। इसको समझने के लिए हमेशा ये याद रखेंगे कि जब भी जैसे सल्यूट की मात्रा बढ़ेगी तो हमेशा वाटर की मात्रा जो होती है वो घट जाती है, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अगर सल्यूट बढ़ता है तो वाटर घटेगा, अगर वाटर बढ़ेगा तो सल्यूट घटेगा, जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, हो इसमें स्टार सुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी नाइट में, दिन के समय क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, दिन के समय क्या होगा, यही जो दिन के समय इसमें क्या होगा, फोटोसेंसिस होगा, फोटोसेंसिस होगा तो ग्लूकोज की मात्रा
बढ़ेगी और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो सल्यूट कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, सल्यूट कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो वाटर क्या होगा, इंड ऑस्मोसिस होगा और स्टोमेटा फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहां तो स्टोमेटा रात के समय क्लोज होगा, फिर से देखिए, अगर एक ऑस्मोसिस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, गार्ड सेल क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, और गार्ड सेल फ्लैसिड यहां से जब पानी बाहर निकला एक ऑस्मोसिस हुआ तो गार्ड सेल फ्लैसिड हो गई और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी थ्योरी देखते हैं, पीएच चेंज थ्योरी। थर्ड थ्योरी है पीएच चेंज थ्योरी। पीएच चेंज थ्योरी, पीएच चेंज थ्योरी ये कहती है कि दिन के समय डे टाइम में गार्ड सेल जो होता है उसका पीएच, गार्ड सेल का पीएच हो जाएगा 8 के लगभग और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज रात में जो गार्ड सेल है उसका पीएच 5 के लगभग हो जाएगा और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक, कैसे हो रहा है इसको देख लेते हैं। होता क्या है, जो रिस्पायरेशन होता है प्लांट में तो रिस्पायरेशन के थ्रू CO2 अंदर इंटर करता है तो रिस्पायरेटरी CO2 यूज होता है किसमें, दिन के समय रिस्पायरेटरी CO2 यूज इन फोटोसेंसिस एट डे टाइम। ठीक है, रिस्पायरेटरी CO2 दिन के समय फोटोसेंसिस में यूज हुआ। ठीक है, और जब फोटोसेंसिस में यूज हो गया रिस्पायरेटरी CO2 तो क्या बनेगा, यहां पे बनेगा CO2 यूज होने के कारण ग्लूकोज बन गया या सुगर बना। ठीक है, ग्लूकोज बना तो क्या होगा, यहां पे CO2 की मात्रा क्या हुई है, घट गई है। ठीक है, CO2 की मात्रा क्या हुई है, घटी है, और CO2 की मात्रा घटी है तो कहने का मतलब यह हो गया यहां पे पीएच क्या होगा, पीएच बढ़ जाता है। CO2 एसिडिक नेचर का होता है, अगर ये घट रहा है तो मतलब पीएच यहां बढ़ रहा है, और पीएच अगर इंक्रीज हुआ तो पीएच यहां पे स्टिमुलेट कर देता है एक एंजाइम को, उसको कहते हैं फास्फोराइलेज एंजाइम। फास्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है, जो रात के समय स्टार्च बना था उसको कन्वर्ट कर देता सुगर में, और अगर सुगर में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, गार्ड सेल में सुगर बन गई तो यहां पे सल्यूट पोटेंशियल फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सल्यूट पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और अगर सल्यूट पोटेंशियल बढ़ा तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और वाटर पोटेंशियल अगर गार्ड सेल का घट गया तो क्या होगा, अंदर की तरफ पानी जाएगा, गार्ड सेल में पानी जाएगा, मतलब इंड ऑस्मोसिस। और यदि इंड ऑस्मोसिस हुआ, ठीक है, तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड, और गार्ड सेल टर्जिड हुई तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसी का जस्ट उल्टा रात में होगा, रात पे देखते हैं कैसे होता है। एट नाइट, रात के समय क्या होगा, कोई फोटोसेंसिस नहीं होगी, नो फोटोसेंसिस, यदि फोटोसेंसिस नहीं होगी तो CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा, मतलब अगर CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा मतलब प्रोटॉन की मात्रा क्या हो जाएगा, घट जाएगी, ठीक है। और ये घटेगी तो क्या करेगा, यहाँ पे CO2 जो है वो H2O से कंबाइन करेगा, ठीक है ना। कैसे ये हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है, होता क्या है, CO2 की मात्रा बढ़ती है, इसको इस तरह समझ लेते हैं, यहाँ पे फिर से देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम लिख दिए CO2 बढ़ रहा तो हाइड्रोजन आयन घट रहा है, कैसे घटेगा ये, इसको यहां देखते हैं। अगर CO2 बढ़ा तो क्या करेगा, CO2 H2O से रिएक्ट करेगा और बना लेगा क्या, H2CO3, और H2CO3 फिर डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन। अब हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्या हुई, बढ़ गई, हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ गई मतलब क्या हुआ, पीएच इसका घट गया, पीएच क्या हो गया, घट गया, और पीएच घट गया तो ये क्या करेगा, ठीक है, इस पीएच पे स्टार्च जो है, सॉरी इस पीएच पे शुगर कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, स्टार्च में, ठीक है। लो पीएच पे क्या होता है, शुगर कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, और स्टार्च में अगर कन्वर्ट हो गया, शुगर यहां स्टार्च में कन्वर्ट हुआ तो मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है, और वाटर पोटेंशियल यहां क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा तो होगा क्या, एक्सोस्मोसिस, ठीक है। यहां पे सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो रहा, घट रहा, वाटर पोटेंशियल बढ़ रहा, तो क्या हो जाएगा, एक्सोस्मोसिस, और एक्सोस्मोसिस होगा तो क्या हो जाएगा, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगी, और फ्लैसिड हुई तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया एक पीएच चेंज थ्योरी, ठीक है। लास्ट थ्योरी देखते हैं, जो लास्ट थ्योरी है सबसे मान्य थ्योरी है, ठीक है ना। लास्ट थ्योरी देखते हैं कौन सी है, जो फोर्थ थ्योरी थी, हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट और पोटेशियम आयन इनफ्लक्स थ्योरी, इनफ्लक्स थ्योरी, हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट या पोटेशियम आयन इनफ्लक्स थ्योरी, ये थ्योरी सबसे मान्य थ्योरी है, ठीक है। किसने दिया, लिविट ने दिया, फ्यूजने ने भी शुरुआत में बताया था और लिविट ने इस थ्योरी को दिया था, ठीक है ना। अब क्या था, हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट और पोटेशियम आयन इनफ्लक्स थ्योरी, इसमें क्या होता है, देखिए, डे टाइम, एट डे टाइम, डे टाइम में क्या होगा, ब्लू लाइट, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग के रिस्पॉन्सिबल है, ब्लू लाइट से क्या होगा, ब्लू लाइट पड़ेगी जब स्टोमेटा पे, ठीक है, तो स्टिमुलेट कर देगा ये किसको, फास्फोराइलेज एंजाइम, फास्फोराइलेज एंजाइम, ठीक है। दिन के समय सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, लिविट ने दिया, दिन के समय क्या होगा, ब्लू लाइट पड़ेगी तो स्टोमेटा अपना एक्शन शुरू करेगा, ब्लू लाइट पड़ने के कारण क्या होगा, स्टिमुलेट होगा, क्या होगा, फास्फोराइलेज एंजाइम, फास्फोराइलेज एंजाइम जो यहां गार्ड सेल में वो स्टिमुलेट होगा, और फास्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है, वो गार्ड सेल में स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा शुगर में, स्टार्च को कहां कन्वर्ट करेगा, शुगर में, और अगर शुगर कन्वर्ट हुआ तो मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो वाटर पोटेंशियल क्या हुआ, घट गया, ठीक है। जैसे यहां देखिए, ब्लू लाइट इस पे रिस्पॉन्स देखिए कैसे हो रहा है, ब्लू लाइट मान लीजिए यहां पड़ रहा, कौन सी लाइट, ब्लू लाइट, अगर ब्लू लाइट पड़ा तो यहां क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा कौन सा एंजाइम, फास्फोराइलेज एंजाइम, फास्फोराइलेज एंजाइम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, फास्फोराइलेज एंजाइम क्या करेगा, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा किसमें, शुगर में, और शुगर में कन्वर्ट हुआ तो यहां का वाटर पोटेंशियल अब क्या हो जाएगा, सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा और वाटर पोटेंशियल घट जाएगा,
किसकी तुलना में, सब्सिडरी सेल की तुलना में यहाँ वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब जो आप जानते हैं कि पानी का जो मूवमेंट होता है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होगा, पानी यहाँ अंदर इंटर करेगा, और पानी जब गार्ड सेल में इंटर करेगा तो सेल क्या होगी, फूल जाएगी, और फूल जाएगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां देखते हैं ब्लू लाइट से फास्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव हुआ, स्टार्च कन्वर्ट हुआ सुगर में, ठीक है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन है इनका, थोड़ा सा एक और देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, फास्फोराइलेज एंजाइम के कारण सुगर बना, कौन सी सुगर बनी, मैलिक एसिड, कौन सी सुगर बनी, मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड जो बनता है वो टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन प्लस मैलेट आयन, ठीक है। दूसरा ब्लू लाइट क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है प्रोटॉन पंप गार्ड सेल को, प्रोटॉन पंप इन गार्ड सेल, ठीक है ना। तो ब्लू लाइट यहां स्टिमुलेट किया फास्फोराइलेज एंजाइम को, फास्फोराइलेज एंजाइम क्या किया, इसकी उपस्थिति में फोटोसेंसिस हुई, और फोटोसेंसिस जब हुआ तो क्या बना, सुगर बना, कौन सा सुगर बना, मैलिक एसिड, ठीक है। इसके पहले पायरुविक एसिड है, आर्जिनिक एसिड है, फिर ठीक वो सब नहीं बता रहे हैं, ठीक सीधे हम यहां आ रहे हैं, सुगर कन्वर्ट हुआ किसमें, मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड फिर टूट जाएगा हाइड्रोजन आयन और मैलेट आयन, और यहाँ प्रोटॉन पंप एक्टिव हुआ। तो प्रोटॉन पंप एक्टिव होगा कहां, गार्ड सेल में, देखिए कहां पाया था गार्ड सेल में प्रोटॉन पंप, अगर ये गार्ड सेल है तो इसकी यहां दीवार जो होती है, दीवार जो है यहीं पे पाए जाते हैं ये प्रोटॉन पंप, ये सब क्या है, ये प्रोटॉन पंप है, ठीक है। इन्हीं के थ्रू क्या होता है, हाइड्रोजन आयन बाहर जाता है और पोटेशियम आयन अंदर की तरफ आता है, ठीक। तो यहां प्रोटॉन पंप गार्ड सेल में एक्टिव हुए, प्रोटॉन पंप जब गार्ड सेल में एक्टिव हुए तो हाइड्रोजन आयन क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, देखिए हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा, बाहर जा रहा, हाइड्रोजन आयन कम्स आउट, गोज आउट, हाइड्रोजन आयन बाहर जब गया, ठीक है, और उस समय गार्ड सेल में क्या इंटर करेगा, यहां से पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन कहां इंटर करेगा, गार्ड सेल में, और गार्ड सेल में पोटेशियम आयन बना लेगा पोटेशियम मैलेट, ठीक है। पोटेशियम आयन इंटर करेगा यहां पे गार्ड सेल में और क्या बनाएगा, पोटेशियम मैलेट, पोटेशियम मैलेट जब बन गया तो गार्ड सेल का सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या हुआ, इंक्रीज कर जाएगा, और सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, और वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो मतलब क्या होगा, पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, मतलब इंडोस्मोसिस, और इंडोस्मोसिस होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी हुई, हाइड्रोजन आयन ट्रांसपोर्ट या पोटेशियम आयन इनफ्लक्स थ्योरी, ठीक है। किसने दिया था, लेविट ने दिया था। यहां एक चीज और हम बता दें, जब यहां पे हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ रही है, मतलब एसिडिक पीएच बढ़ रहा, एसिडिक पीएच जब बढ़ता है, ठीक है ना, तो यहां पे क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन बढ़ा, हाइड्रोजन आयन क्या किया, वो बाहर आ गया, किससे, यहां से बाहर आया, इसको यहां पे हम दिखाए हैं, यहां से गार्ड सेल से बाहर आया, कहां, सब्सिडरी सेल में, और पोटेशियम आयन इंटर किया। अगर इसी को क्लोज हम देखें कि स्टोमेटा क्लोज कैसे हो रहा है, तो यहां पे क्या होता, क्लोजिंग के लिए रात के समय क्या होगा, अगर हम क्लोजिंग देखें तो रात के समय फोटोसेंसिस होगी नहीं, और फोटोसेंसिस नहीं होगी तो फास्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, फास्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव नहीं होगा तो सुगर जो बन रहा था, ठीक है, वो सुगर जो ग्लूकोज बन रहा था उसके स्टार्च में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, सॉरी, ठीक है ना, जो यहां सुगर मैलिक एसिड कन्वर्ट कर रहा था ये सब कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। रात के समय होता क्या है, जब CO2 का कंसंट्रेशन यहां बढ़ेगा, फोटोसेंसिस होगा नहीं तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, या इसको इस तरह देखते हैं, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो पीएच क्या होगा, घट जाएगा, और पीएच घट जाएगा मतलब ये कैसा पीएच हो गया, एसिडिक पीएच हो गया, और एसिडिक पीएच पे यहां पे एक हार्मोन पाया जाता है, एबीए हार्मोन,
एबीए हार्मोन क्या करता है, जो यहां से पोटेशियम आयन इंटर करता है, पोटेशियम आयन जो इंटर करता है उसके एक्टिविटी को रोक देता है, ठीक है, उसको अंदर आने से इन्फ्लक्स उसके रोक देगा, और इन्फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है, या अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, किसके कारण, एबीए हार्मोन के कारण, तो ये सेल्स क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, और फ्लैसिड होंगे तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम देखें कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे हो रही है। अब हम देखते हैं कुछ इनहिबिटर हैं जो स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग को प्रभावित करते हैं, कुछ इनहिबिटर हैं जो स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से इनहिबिटर हैं, इनहिबिटर्स, एक इनहिबिटर है डीसीएमयू, दूसरा इनहिबिटर है फ्यूजिकोसिन, तीसरा है ट्रिपल सी टी, ठीक है, ये इनहिबिटर है जो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग को प्रभावित करते हैं। तो पहला आप देखते हैं डीसीएमयू किस तरह प्रभावित कर रहा है, एक और है कुछ एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं जैसे पीएम में, ठीक है, चौथा पीएम में भी लिख सकते हैं, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, ठीक है, एबीए लिख सकते हैं, ये भी क्या करते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में काम करते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग को बंद करते हैं, सैलिसिलिक एसिड, इसमें सैलिसिलिक एसिड, ये भी क्या होते हैं, ट्रांसपरेशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डीसीएमयू को देखते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग के लिए दो चीज चाहिए, स्टोमेटल ओपनिंग के लिए क्या चाहिए, दो चीज, एक मैलेट बनना चाहिए, मैलेट आयन, और दूसरा क्या हुआ, पोटेशियम इनफ्लक्स होना चाहिए, मैलेट आयन का निर्माण होगा या पोटेशियम इनफ्लक्स होगा तो स्टोमेटा ओपन करेगा। मैलेट आयन कब बनेगा, फोटोसेंसिस में, और फोटोसेंसिस के लिए कौन सी लाइट चाहिए, रेड लाइट, ठीक है, पोटेशियम इनफ्लक्स जो होगा वो किस लाइट से होगा, ब्लू लाइट रिस्पांस, ब्लू लाइट रिस्पांस, ठीक है, ये किससे होगा, ब्लू लाइट से, ठीक। अब होता क्या है, डीसीएमयू जो होता है वो क्या करता है, फोटोसेंसिस को, जो डीसीएमयू इनहिबिटर है वो फोटोसेंसिस को इनहिबिट करता है, फोटोसेंसिस को इनहिबिट कर रहा है तो इस तरह ये क्या कर रहा है, रेड लाइट को भी क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, रेड लाइट को भी क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं डीसीएमयू जो होता है, ठीक है, ये पार्शियली क्लोजिंग के रिस्पॉन्सिबल है, स्टोमेटा के पार्शियली क्लोजिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल हो गया, डीसीएमयू, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं इसमें दूसरा कौन सा है, अगर नॉर्मल स्टोमेटल मूवमेंट को देखा जाए तो होता क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गार्ड सेल की, और गार्ड सेल में पाए जाते हैं यहीं पे पंप पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप के थ्रू क्या होता है, हाइड्रोजन आयन बाहर आता है, गार्ड सेल से हाइड्रोजन आयन क्या होगा, बाहर आएगा, ठीक है, और पोटेशियम आयन अंदर इंटर करता है, ये तो नॉर्मल है फंक्शन, और स्टोमेटा ओपन होता है। स्टोमेटा ओपनिंग के लिए क्या चाहिए, कि गार्ड यहां पे प्रोटॉन पंप एक्टिव हो, हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल से बाहर आए और पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर जाए तो स्टोमेटा ओपन होगा। लेकिन यहां कुछ इनहिबिटर है जो इस ओपनिंग क्लोजिंग को इनहिबिट करते हैं, जैसे ट्रिपल सी टी, कैसे इनहिबिट करता है, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है गार्ड सेल की, इसको लीकी बना देगा, क्या बना देगा, लीकी, और जब लीकी हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लीकी होगी, ठीक है, इसको इधर देख सकते हैं, तो बहुत सारे हाइड्रोजन आयन निकल आएंगे बाहर,
प्रोटॉन पंप से ना निकलकर जब ये प्लाज्मा, ये इन्वर्टर क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है डार्क सेल की उसको लीकी बना देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब डार्क सेल की लीकी होगी तो बहुत सारे प्रोटॉन आयन क्या होगा, डार्क सेल से बाहर निकल आएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्रोटॉन पंप है ये एक्टिव नहीं होगा, और प्रोटॉन पंप एक्टिव नहीं होगा तो पोटेशियम अंदर इंटर नहीं करेगा, और पोटेशियम अंदर इंटर नहीं करेगा क्योंकि ये एक्टिव है नहीं, यहां भी गार्ड सेल है वो प्रोटॉन पंप है, तो ये एक्टिव होगा नहीं, एक्टिव नहीं होगा तो पोटेशियम आयन अंदर इंटर करेंगे नहीं, पोटेशियम आयन अंदर इंटर नहीं करेंगे तो स्टोमेटा क्लोज रहेगा। स्टोमेटा क्लोज है तो क्या हुआ, इन्विट किया कि नहीं किया ये, ठीक है। तो ये भी ट्रिपल सीपी भी क्या होते हैं, इन्विटर के रूप में काम करते हैं, ये क्या करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लीकी कर देंगे, प्रोटॉन बाहर निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन पंप इन्विट है, प्रोटॉन पंप ओपन नहीं है, स्टिमुलेट नहीं है, तो पोटेशियम अंदर जाएगा नहीं, पोटेशियम नहीं जाएगा तो स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज रहेगा। लास्ट देखते हैं फ्यूजिकोसिन, फ्यूजिकोसिन किस तरह प्रभावित करता है, ये प्रोटॉन पंप हो गया, यहां से हाइड्रोजन आयन बाहर आ रहे हैं और प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, सॉरी पोटेशियम आयन इंटर कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे स्टोमेटा ओपन होगा, ठीक। फ्यूजिकोसिन क्या करता है, जो एक फंगस फ्यूजेरियम से प्राप्त किया जाता है ऐसा इन्विटर है, जो क्या करेगा प्रोटॉन पंप को एक्टिव करेगा, हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे गार्ड सेल से और पोटेशियम आयन इंटर करेंगे, स्टोमेटा ओपन होगा। लेकिन इतना ज्यादा ये वाटर की मात्रा बाहर निकाल देता है कि पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी से क्या हो जाएगा, प्लांट की डेथ हो जाती है। तो ये भी एक इन्विटर के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह हम आज स्टोमेटा की ओपनिंग कैसे हो रही है, क्लोजिंग कैसे हो रही है, इसके बारे में बताए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, यदि पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बेल आइकन को दबाइए, जिससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप पे जाएगा, ठीक है, और दोस्तों से शेयर करिए। धन्यवाद।